का क्या नाम है? शांति। शांति, कितने बच्चे हैं अपने? दो। दो, चलें भाई। आपका कहना मानती है शांति? जी हाँ। हाँ, ऐसा ना हो कि शांति कहना नहीं मानती। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। जी जी। हाँ, चलें भाई, प्यार मोहब्बत से रहें, जिंदगी गुजारें, ये आपके लिए, ठीक है शांति। पुन्नी, पुन्नी मतलब पुण्य करण वाली, यही ना, पुण्य करण वाली, ये लें, ये आपके लिए, ठीक है। ये किसका है? प्रभु का। प्रभु के घर में कौन है? ओए, तो नया बच्चा पैदा हुआ है। धर्मा की धर्म पत्नी है। हाँ। क्या नाम है अपना? लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी जा रही है। हाँ, लक्ष्मी जा रही है आपके पास। बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि जेंडर लेस हैं। अब इनका नाम कल्लू है, मैंने कह रहा हूँ आपका नाम कली होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है, और ये आसमान है सिंध के एक शहर टंडो जान मोहम्मद का। आपने हमारी जो गुज़श्ता वीडियो देखी होगी उसमें आपने मोनिका का वो जो गांव बसा हुआ है आरजी, वो आपने देखा। दोस्तों, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन रात जब मैं घर पहुंचा, एक हमारे मेहरबान हैं अल्लाह ताला के नेक बंदे, तो उनके साथ वो जब सारा माजरा जिक्र किया, वो हुआ कि हम वहां गए थे और ये सारी सूरत हाल डिस्कशन हुई, तो उनकी तरफ से एक अमाउंट मुझ तक पहुंचा कि वो उन्हें कुछ हम सर्व कर पाए, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा कर पाए जिन मुश्किलात से वो लड़ रहे हैं, इससे पहले कि हम इंतज़ार करें कि कोई हुकूमती सरपरस्ती में या कोई बहुत बड़ा इदारा वहाँ पहुँचे, अपने हिस्से की शम्मा, हिस्सा बकदरे जुस्सा, वो शामिल करने की कोशिश करें। उस वीडियो देखने के बाद रात में हमारी एक बहन की तरफ से एक मैसेज मौसूल हुआ, अमेरिका से है, नाम बताने की उनकी मनाही है, तो उन्होंने भी उसमें एक हिस्सा डाला है अपना, वो सारा हिस्सा हम उन तक पहुँचाने जा रहे हैं। इस वक्त हम टंडो जान मोहम्मद शहर में पहुँचे, अकम में मेरे, ये मरकजी रोड है टंडो जान मोहम्मद शहर का, डिगड़ी से कुछ 11, 12, 13 किलोमीटर दूर, और यहाँ से हमें कुछ 10 किलोमीटर के करीब और आगे जाना है। दे 202 का स्टॉप है और उसके बाद आगे दे 264, वही पुराना दरिया जिसे परान कहते हैं, उसके साथ सेमनाला, और सेमनाले के पुश्ते पर वो आरजी गांव आबाद है जो हमारी मंजिल। बारिश के आसार हैं और कुछ बूंदें पड़ चुकी हैं, तो बैग को कवर करने के लिए एक शॉपर खरीदा है, यहाँ रुके हैं और इससे आगे का सफर शुरू करते हैं, तो आपको वहीं लिए चलते हैं मोनिका के गांव। ये वो स्टाफ है जहां से हमने नीचे उतरना है। आज सुबह हल्की बारिश हुई, उसके बाद ये रास्ता सारा कीचड़ ज़्यादा हो गया, और इसी रास्ते पर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हमने जाना है। पानी की सूरत हाल मैं आपको दिखा दूँ, ये रोड कदरे ऊँचा है जिसकी वजह से ये बचा हुआ है, वगरना पानी यहाँ तक आ चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये बंद लगाया गया है, और ये जो सरेरा, ये सारे लोग पानी में बैठे हैं। रोड कदरे ऊंचा है तो इस वजह से बचत हो गई है, और यहाँ भी लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने छोटे मोटे जो भी कारोबार हैं उनके, तो ये पानी के अंदर ही अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ होटल पर खड़ी कर दी है और हमने यहाँ से पैदल जाना है। मैं उस खेमा बस्ती में पहुँच चुका हूँ, और मैंने आपको ये बता दूँ कि ये मैंने टेंट चूज़ किया है बिल्कुल लास्ट, इसके आगे कोई टेंट नहीं है, तो यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ और बिना कोई मजमा लगाए एक एक टेंट के पास मैं खुद जाऊंगा यहाँ से चलता हुआ। ये तकरीबन 1.25 किलोमीटर के रकबे पर लंबाई में फैले हुए टेंट हैं, तो एक एक टेंट के पास जाकर इनिशियली हमने सोचा है कि 2000 रुपये फी टेंट। अब मैं इसमें इसके बारे में थोड़ा खुलासा कर दूँ कि हमने 2-3 चीज़ें सोची थी कि खाना बनवा के दे दिया जाए, इतने लोगों के लिए खाना शायद कुछ 1.5 लाख रुपये के करीब खाना बने, लेकिन एक ही वक्त का बनेगा और फिर बस दूसरे टाइम पर लोग सोचेंगे। तो 2000 रुपये का आइडिया मैंने इस तरह से लगाया है कि 5 किलो आटा 500 रुपये का तकरीबन, और साथ में अगर वो 3 किलो चावल ख़रीद लें 150 रुपये किलो वाले, तो साढ़े 900 रुपये हो जाएंगे। 1 किलो वो आयल ख़रीद लें तो ये तकरीबन कुछ 1500 के करीब हो जाएंगे, और 500 जो बचेंगे उसमें से कुछ दालें वगैरह ख़रीद लें, तो इस पैसे से एक एक गरीब आदमी जो कम में जी सकता है वो कोशिश करके हालात के साथ, तो वो 2-3 दिन या 4 दिन के लिए वो इससे अपने खाने पीने की ज़रूरत पूरी कर सकता है। कुजा ये कि वो एक वक्त का उसे खाना दे दिया जाए, ये सोच विचार के बाद हमने एक फ़ैसला किया कि वो 2000 रुपये, और वो भी घर की जो खातून है उसके हवाले किए जाएँ ताकि वो घर उसने चलाना है। तो इस तरह की सूरत हाल है। मोनिका का जो वो टेंट था वो सेकेंड लास्ट टेंट था, जो बच्ची कल हमने आपको दिखाई थी, तो उनके वालिद साहब की आज तबीयत कुछ ठीक है, अचार नाम है उनके वालिद का, अचर, तो कल वो बुखार में थे। अचर जी सर, समझ गए आप? जी हाँ, ठीक है ना जी। आपने हमारे साथ चलना है। मोनिका बेटा इधर आओ,
तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक लिस्ट भी इन्होंने बनाई हुई, कल मैंने कहकर गया था कि घर मुझे काउंट करके रखना कि कितने घर इन्होंने काउंट किए। पूरी कॉलोनी की नहीं बनाई इन्होंने। अच्छा उधर वो बना रहे हैं, ये मोनिका। मोनिका ठीक हो? जी मैं ठीक। मज़े में, खुश खैर, जोर बैठे। जो सेंटर में पुल है, पुल के इस तरफ 38 खेमे हैं, तो यहाँ से शुरू करके पुल के जो ये दरमियान में तकरीबन, उसके बाद कुछ नाली के इस तरफ ना पुल, जो पुल है। अच्छा उस तरफ वाले अलग हैं और पुल के उस तरफ वाले अलग हैं। ठीक है ठीक है। यहाँ से तो ये हमारी पहली फैमिली है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा वैसी। वैसी, हाँ जी ठीक है। वैसी वैसी नाम लिखा हुआ इसमें। तो सेकंड घर जो था वो आचर का था, यानी कि मोनिका वालों का। तो ये मोनिका वालों का टेंट है। तो ये मोनिका की वालदा है और साथ में मोनिका। ये लें बहन आपके लिए, ठीक है। और इसमें से कोशिश करना, वैसे हमने तो दे दिए हैं कि आप इसमें राशन जो खाने पीने की मद में इस्तेमाल करना है, इनको आटा खरीदना, दाल चावल जो भी वो खरीद। हाँ बहन कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? ये आपके लिए हैं, ठीक है। तो ये थर्ड घर है। अब सारे घर तो वैसे तो लिस्ट में, ये बहन आपके लिए हैं, ठीक है। फैमिली है सुमार कांजी की और ये हमारी बहन है। बहन ये 2000 रुपये आपके लिए, ठीक है। और ये विजय का घर है। ये विजय की घरवाली हैं जी। चलें भी, ये आपके लिए। चनेसर की फैमिली है। बहन ये आपके लिए, ठीक है। ये बहन आपके लिए, ठीक है। वेलो छा हाल है? हाँ वेलो मतलब तकड़ो, तकड़ो। ही तांज घरवारी आ, ही बहन ही तांज लाए, ठीक है। इनका को राशन वाशन खरीद जो, ठीक है। और ये जो फैमिली है जगेश की है। कैसी है बहन? ठीक है। ये आपके लिए, ठीक है। तो ये है आलिम की घरवाली। ये आपके लिए हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीदनी है आपने इससे, आटा दाल, ठीक है। तो ये है लक्ष्मण की फैमिली और ये उनकी जौजा को दे दे। और ये है मेवाराम की फैमिली, ये लीजिए आपके लिए, ठीक है। तो सिंगल सिंगल एक एक घर के पास जाना है, कहीं लोगों को नहीं बुलाना। मजमा ने किस, क्या नाम है आपके शोहर का? नारू। और आपका नाम? गुड्डी। गुड्डी, चलें भैया गुड्डी आपके लिए 2000 रुपये, ठीक है। कल हमारी जो बहन जिन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कुछ हमें दिया लोगों की आसानी के लिए, तो उनका एक बड़ा सवाल था कि एनिमल क्या खाएंगे, जानवर क्या खाएंगे। तो ये पानी के अंदर घुस के जो शुगर कैन है, कमाद जिसे हम कहते हैं, उसके जो ऊपर से इनको हम आग कहते हैं, वो काट के लाएँ। और इनके पास यहाँ मशीनें तो नहीं है, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं अपने जानवरों के लिए। और आपका क्या नाम है? पुन्नी। पुन्नी मतलब पुण्यकरण वारी, यही ना, पुण्यकरण वारी। ये लें ये आपके लिए, ठीक है। क्या पका रहे हैं खाने में? आलू पका रहे हैं। ये नाजू है और ये आपके लिए, ठीक है बेटा। ये पारू हैं, घरवाली का इसके इंतकाल हो गया, अब ये कहीं से लकड़ियां लेकर आए हैं। ये भाई कितने बच्चे हैं आपके? दो हैं। दो बच्चे हैं, चलें। तो मोनिका जो है वो आगे आगे जा रही है, हमें रास्ता दिखा रही है और ये सबको जानती भी है, नाम वगैरह उनके ये बता रही है कि कौन सा घर किसका है। ये किसका है? प्रभु का। प्रभु के घर में कौन है? ओए तो नया बच्चा पैदा हुआ है। हाँ जी सर। कब हुआ है? ये तकरीबन 8 दिन का हुआ है। तो आपकी बीवी? बीवी यही है। 8 इधर इधर बुलाओ, इधर बुलाओ। मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 8 दिन के बच्चा है इनका, 8 दिन पहले जचगी हुई है और ये खातून यहाँ चल फिर रही हैं। यार ये बड़ी बात है यार। ये बाकी हम लोगों की तो खवातीन वो तो उठेंगी नहीं 8 दिन से पहले। ये ले 8 दिन के महीना, ये आपके लिए, ठीक है। और ये आपके बच्चे की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और ये सांगू है। 9 भाई और 2 बहनें, 11। वालदा का इंतकाल हो चुका है। अब्बा कहाँ शहर गए हैं? चलें। आपका नाम क्या है? हाँ जमीयत। क्या नाम है? जमीयत का मतलब इज्तमा, जमीयत, बहुत सारे लोग। ये आपके लिए, ठीक है। तो ये घर है चेतन का और चेतन की जो ये आपकी बेटी है, बेटी आपकी चाय बना रही है। और घरवाली कहाँ गई? घरवाली घास लेने गई है यार तुम। तो चेतन की तबीयत ठीक नहीं है, तो चेतन घर पर हैं, जो उनकी बेगम हैं वो गई हैं घास लेने। तो इनकी बेटी को पैसे देते हैं। ये बेटा ये अब्बा को नहीं देने, कोशिश करनी है इससे राशन लेना, आटा दाल को चीज़ वो ख़रीदनी है, ठीक है। हम सुमरो का घर है ये और सुमरो की घरवाली कहाँ है? घास लेने गई है। बच्चे घर पर हैं? आप ये बेटी है आप सुमरो की? अच्छा तो ये अम्मा को देने हैं पैसे, ठीक है बेटा। अम्मा को, हाँ इसके लिए घर के लिए कुछ राशन खरीद। बेटा क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का? बालम। बालम। अम्मा कहाँ है? अम्मा
घाकरण भैया तां कौन भैया ये अम्मा के डिजो क्या क्या हाँ। तो हम पहुंच चुके हैं बादल के घर और ये बादल की बेटी है तो बहुत छोटी सी बेटी है वो रोटी वोटी बना रही है। अच्छा वालदा ये वालदा है अच्छा अंगूठे पे चोट लगी हुई है ठीक। तो ये सोरठ का घर है सोरठ मानी में छा भूख लगी है असांगे भूख लगी है हाँ भाजी केड़ी है आलू रंधे आलू यहाँ जिसके पास देखो सबने आलू पकाए हमें तो चले खुश आलू ये वो शोर बेहारा ठाओ ना पानी भी जो इनमें थोड़ो वध थी वो ये तहाँ जलाए ठीक है हाँ इनका को भाजी भाजी को अट्टो वट्टो खरीद जो ठीक है। तो ये घर है गणेश का और गणेश की जो घरवाली है वो भी रोटी पका रही है भेण ये मानी पचायो ये पैसा बट जो ठीक है ये अथ करो हाँ ये और इनका नाम माँ बाप ने न जाने क्या सोचकर रानी रखा था बरड़ नाम के साथ तो इसमें बामौसमी नहीं है अल्लाह करे ये रानी होती शायद रानी होंगी किसी की शौहर का इंतकाल हो चुका है क्या नाम था आपके शौहर का बजो बजो हाँ। बजो की रानी थी आप हाँ, हाँ बजो की रानी ये आपके लिए ठीक है माँ हाँ। मीरा हाँ। चला माँ मीरा बैटरी बैटरी चार्ज थी भैया मोबाइल जी हाँ चले ये आपके लिए ठीक है उस तरफ के लिए ये आपके लिए दे दिया चार को मैंने घर वाले जो नालो छा है कस्तूरो कस्तूरो मुड़स जो नालो वठंदा आयो हाँ ये वठ हाँ हाँ वठनो तो भवे क्या नाम है तुम्हारा नालो की छे हाँ नहीं बोल पाएगी ये अम्मा इनकी पानी भरने गई हुई है यहाँ से कुछ दूर तो ये बेटा ये अम्मा को देना ठीक है हाँ हाँ क्या नाम है आपके घर का घर वाले का खेमो और खेमो खेमे के अंदर हैं चलें चलें ये आपके लिए और इन पैसों से कोशिश करना आटा दाल वो खरीदना ठीक है हाँ। तो तकरीबन पुलिया से हम आधे पुल तक पहुंच चुके हैं वहां से चल के और चेतन की बीवी है आपका नाम क्या है गेनो ये लो ये आपके लिए ठीक है। उस किनारे से हम लोग ये LBOD का सेम नाला है इस किनारे पर आ गए हैं अब यहाँ से शुरू करते हैं और फिर वापस जाते हैं। इस तरफ ये परान है परान के परली तरफ वो गांव अगर नज़र मैं जिस घर तक पहुँचा हूँ उनके शोहर का नाम है पानी शोहर का नाम है जानी और उनकी घरवाली का नाम है पानी। अजीब चीज़ हुई है और ये तो मुकम्मल इसमें बामौसमी हो गया है कि सब तरफ पानी है तो जानी और पानी की जोड़ी। तो क्या नाम है आपका पानी इतना पानी है अभी भी पानी की कमी है कोई हैं ये ले ये आपके लिए ठीक है। कोशिश करना कि इससे आटा 5 किलो आटा खरीद लें कोई 2-3 किलो चावल दालें कोई घी वो खरीदें ठीक है कि 2-4 दिन राशन चल जाए ठीक है। पानी इस चीज़ के बारे में भी पता करना चाहिए कि आखिर नाम कैसे रखे जाते हैं। अब पानी है जैसे हो सकता है सैलाब के दिनों में ये खातून पैदा हुई हो तो पानी नाम रख दिया हो। ये है सर खेमराज खेमराज और इसका नाम भी रानी है। अच्छा ये खेमराज की रानी है तो भाई ये खेमराज की रानी है तो सलामत रहें आप ये आपके लिए ठीक है ठीक ठीक। तो जानी और पानी और खेमराज इनका क्या है सर ये शगन की फैमिली कहाँ है आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं उनकी वाइफ जो है वो तबीयत सही नहीं है मेरे ख्याल में लेके गए अच्छा हॉस्पिटल लेके गए सही सही। आपका नाम क्या है बेटा जीवंती अरे खूबसूरत नाम है और आपका लकी। तो आप ये चादर ओढ़ के लेटे हुए क्या हुआ बुखार आ गया अल्लाह ये जीवंती बेटा ये अम्मा को देना ठीक है इससे कोई आटा दाल चावल खरीदना ठीक है। इनका नाम गुड्डी है और ये यहाँ की समझ लें आप समाजी वर्कर भी हैं। रात हमने जो न्यूज़ चैनल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था उसमें इन्होंने माशाल्लाह बड़ी धमाकेदार तकरीर की थी और मैंने इन्हें कहा था कि आपको काउंसलर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। गुड्डी नाम बताया था ना हाँ, मेरा नाम गुड्डी है और का नाम शिवजी शिवजी की बीवी है गुड्डी हाँ। और शिवजी हिंदुओं के अंदर एक बड़े भगवान है शिव भोलेनाथ शिव भोलेनाथ की बीवी है ये और ये बहुत
बाहिम्मत और हौसलेमंद खातून है, तकरीर करने में बिल्कुल माहिर है। ऐसे ही बोलना है तुमने, कोई भी मसला हो, कोई ऑफिसर आए, कोई सियासतदान आए, तो सामने खड़े हो जाना है और बताना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है। मोनिका, इनका नाम क्या है इस घर का, इनके कौन है? वसंत। हाँ, तो ये वसंत की क्या लगती है? ये उनकी बहन है। बेटी या बहन? बेटी है। वसंत की अम्मा कहाँ गई हैं? अम्मा हाँ अस्पताल गांव में। अच्छा, उधर गए। ठीक, अच्छा, चार या पांच। अपने बच्चे तो पता होने चाहिए ना। ये हमारी जो बहन है, इनके शोहर का इंतकाल हो चुका है और अपना नाम सुमरी है। ये आपके लिए। ठीक है। निहाल, निहाल नाम है। और ये बच्चे कितने हैं तुम्हारे? दो बच्चे हैं। तो चलो बेटा, बच्चों को दे रहा हूँ, ये अम्मा को देना। ठीक है। तो ये है लेमो सुखो की बीवी सफूरा। हाँ सफूरा बहन, कैसी हैं? ठीक है। ठीक है। कितने बच्चे हैं अपने? छह बच्चे हैं। और इसको क्या हुआ, ये जल गई है? ये जल गई। ओए होए होए, ये ले, ये आपके लिए। तो ये वीरू के बच्चे हैं और वीरू जो है वो घास काटने के लिए गई हुई है पानी के अंदर। ठीक है, अम्मा को देना बेटा पैसे। तो ये अमिया हैं, सतराम की घर वाली अमिया आपके लिए। ठीक है, आप इनसे कोई राशन वाशन खरीदें। तो ये धर्मा की धर्म पत्नी है। क्या नाम है अपना? लक्ष्मी। लक्ष्मी जा रही है आपके पास। लक्ष्मी कहते हैं धन को, दौलत को, पैसों को। तो ये लक्ष्मी आपके लिए लक्ष्मी आई है। ठीक है। तो घर वाले का नाम चेतन है और आपका नाम? नीलो। नीलो, नीलो एक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी मशहूर हीरोइन थी। नीलो, नीलो नाम था उनका, जो हमारे जो शान अदाकार हैं उनकी वालदा। ये आपके लिए। ठीक है नीलो। तो ये हश्तू की बेटी है। हश्तू कहाँ गई हैं? बन्नी बन्नी में बाहर गई हैं। चलें, ये ले पानी भरने के लिए। चलें बेटा, ये अम्मा को देना। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? रेशम। रेशम, हाँ खूबसूरत। तो एक तरफ का हमने पूरा वो किनारा उस तरफ का भी कर लिया, अब हम जा रहे हैं इस तरफ। तो अम्मा का क्या नाम है? अब्बा का है जलाल। तो जलाल की बेटी हैं ये आंसू। तो दुआ तो यही है कि इनकी आंखों में कभी आंसू ना आए बेटा। ये आपके लिए अम्मा को देना। ठीक है। ठीक। मेकअप वेकअप किया हुआ है? कुछ शादी वादी में गए थे क्या? ये ऐसे किया है? ज़बरदस्त। ये सुगना बहन है, नंदलाल की बीवी हैं ये। ठीक है। दो चार, ये लीजिएगा सुगना। ठीक है, इसके लिए कोई राशन वाशन मंगवाइएगा आप इनसे। तो ये खेतों का घर है और यहाँ है खेतों की घर वाली। क्या नाम है अपना? हंजू। हंजू और आंसू एक ही मतलब है इनका। थोड़ा आगे आ जाएं, ये आपके इधर ये थोड़ा मसला ना कर लेके, ये पैसे आप पकड़िएगा। ठीक है हंजू। अच्छा, पानी भरने के लिए गए थे। नाम चनेसर है, ये आपके लिए। ठीक है। तो इनका नाम है समझू, घर वाले का नाम है जुम्मा। ये आपके लिए। ठीक है, इससे कुछ जो खरीद सकते हैं राशन वगैरह खरीदिएगा। चलो आगे चलो मोनिका। छाना हलवा खमीसो। घरवारी जो चौथी घणी क्लास में पढ़ी हुआ है स्कूल व्या कटे वो चौथी में चौथी तई स्कूल ना कौन कौन पढ़े हुआ जी ना। अच्छा, ही बैठो, ही तहाँ जलाइन। ठीक है। अब यहाँ एक तो हमने दिखाया था कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले की डिलीवरी थी और ये यहाँ पर इसी यहीं डिलीवरी हुई है। ये खेमों के अंदर एक दुनिया में एक शख्स आया है, बच्चा। बेटी है बेटा है? बेटी है। चलें आपको मुबारक हो, ये रात पैदा हुई है ये। भाई इसको आप मुबारकबाद ही समझ लें इसकी, या आपने कुछ राशन वाशन इससे खरीदिएगा। क्या नाम रखा है या रखेंगे? रखेंगे। अच्छा, रखेंगे। सोचा नहीं है जी? नहीं। चलें लक्ष्मी रख दें, लक्ष्मी रख दें भाई फिर। आपका क्या नाम है? शांति। कितने बच्चे हैं अपने? दो। चलें भाई, आपका कहना मानती है शांति? जी हाँ। ऐसा ना हो कि शांति कहना नहीं मानती। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। जी जी। हाँ चलें भाई, प्यार मोहब्बत से रहें, ज़िंदगी गुजारें, ये आपके लिए। ठीक है शांति। तो गमन की बीवी है ये हीरा, ये आपके लिए। हीरा बहन, इससे आपने आटा दाल चावल खरीदना है। ठीक है, कोशिश करना दो चार दिन इससे आपका कुछ गुजर। पाँचो नालो चाय। विक्रम। विक्रम ही छाते हुआ? सही, पोलियो थे वो। अच्छा, पोलियो नंडपिंड में। हाँ, हाँ तो बच्चों को टुका बुक्का लग रहा है ना पोलियो से? हाँ, लाजमी। घरवारी जो नालो चाहे? सीता। सीता विक्रम, सीता जी जोड़ी है। घना बार है?
माशाल्लाह छे बसाने गंजा है ना। ये सीता बहन ये ले आपकी, ये बच्चा कब हुआ है? चार सत, ये तीसरी डिलीवरी है भाई। एक तो 8 दिन की पहले देख कर आए, एक कल हुई है और ये तीसरी डिलीवरी। नाम रखा है कोई? ना, कौन रखा? चले बेटे का नाम। तो ये मुमल हैं जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है, बेवा खातून है। कितने बच्चे हैं अम्मा मुमल? न्याणियों एकड़ो छोकरो ये तहाँ जलाए। ठीक है, तो ये दाई हैं लेकिन इनका नाम दाई है, वैसे काम इनका वो दाई वाला नहीं है लेकिन इनका नाम दाई है। तो ये लीजिएगा, ये आपके लिए। ठीक है, ये अशरफ भाई हैं। अशरफ जो है वो अभी अपना सामान लेकर आ रहा है, ये पानी में बैठे रहे लेकिन अब जो है वो उनकी हिम्मत जवाब दे गई है, तो अब वो अपना यहाँ पे टेंट लगाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अशरफ साहब ये कुछ पैसे आपके लिए। ठीक है अशरफ साहब, ये मारुई हैं, एक सिंध का बड़ा मशहूर करेक्टर है और बेवा हैं ये आपके लिए। ठीक है माँ, क्या गुड्डी नाम है? हाँ, कितने बच्चे हैं अपने? पंज बच्चे हैं। ये लें, ये आपके लिए। ये हैं अकरम साहब, ये भी मुतासिर हो गए हैं, कुछ भेड़ बकरियां लेकर आए, इनके बच्चे पीछे अभी तक पानी के अंदर फंसे हैं। घर में पानी, घर में पानी खड़ा हुआ है जी। तो किराया भी नहीं है कि यहाँ लेकर आए। चलें कुछ ये फिर इससे अपना किराए का कोई बंदोबस्त करके चले हैं। यहाँ बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि जेंडरलेस हैं। अब इनका नाम कल्लू है, मैंने कह रहा हूँ आपका नाम कली होना चाहिए था, चंबेली की कली। वो मार्टन बॉय कल्लू रख दिया तो ठीक है। चलें, तो एक और लक्ष्मी हमें मिली है। चलें, लक्ष्मी या लक्ष्मी आटा गूंद रही थी, आटा गूंद रही है। क्या पचाया आज? क्या पकाया? कुड़े कुड़े क्या? आलू। तो ये सजन हैं, सजन की घरवाली तो उनका इंतकाल हो गया है, और ये आपकी पोती है? पोती है। ठीक है, तो आप इनके साथ ही रहते हैं। ये बेटा घर का सामान राशन वाशन लेना है इससे, ठीक है? अच्छा, तो डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? हाँ, पैसा नहीं है। चलें, ये आप कुछ पैसे रखें तो कोई डॉक्टर वॉक्टर को दिखाएं इन्हें, हैं? तो ये मेहराब हैं और ये चारा काट रहे हैं, और ये हैं लता, लता मंगेशकर, बड़ा मशहूर नाम है हिंदुस्तान की, बहुत बड़ी गायिका थी। लता ताँ के कुछ गायनो इंदो आ, कोई भजन वजन का भजन इंदो आ? हाँ, भजन बुधा भजन। अच्छा, वो लता कह रही है कि भजन जो है वो बोर्ड में विसरी गया, यानी कि भूल गया, पानी में बरसात में घर छोड़ना पड़ गया। लता ये आपके लिए, ठीक है, इससे घर का राशन वगैरह खरीद। तो LBDO सेम नाले के किनारे ये सुगना बहन है हमारी, ये आपके लिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, दरियाए पुरान के किनारे कौन कौन सी दास्तानें छुपी हुई हैं। कल मैंने कुछ जिक्र किया था कि ये पुराने दरिया की बात। तो ये हैं गवरी बहन, गवरी ये आपके लिए। वहाँ से चलते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमें एक लक्ष्मी का खेमा मिला है। लक्ष्मी बहन तबीयत ठीक का? हाँ, पेरी का तबीयत ख़राब हुई? हाँ ठीक का। चलें, अभी तबीयत ठीक है, इनकी कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं। तो देखें, बहुत सारी रिवायात होती हैं, रस्में होती हैं। अभी कानूड़ा जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी गुजरी है, हिंदुओं के नज़दीक बड़ा मुकद्दस वो दिन होता है। तो इनकी वालदा जो हैं वो अपने अम्मा के घर पे गई हैं, यानी कि मैके गई हुई हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, सिंध भाई। ये अम्मा को देने, ठीक है? हाँ, अम्मा अगर नहीं आए तो फिर खाने पीने के लिए आटा दाल मंगाना इससे। तो ये हबलो हैं, चाय पी लिए उन्होंने और बर्तन धो रही हैं। हबलो चाय पिए? अच्छा, चलें ये आपके लिए, ठीक है, इससे कोई राशन खरीद। तो ये चुनेसर की बीवी हैं सीता जी। सीता, ये सीता आपके लिए, ठीक है, लाभ। और ये उनकी जौजा हैं अमीना, ये अमीना बहन आपके लिए, ठीक है, इससे कोई आटा दाल वगैरह मंगाना, ठीक है। तो ये एक और टेंट है। आपका नाम क्या है? बाबू। और आपकी घरवाली, आपका नाम? मिश्रा। ये आपके लिए, ठीक है, इससे कोई आटा दाल चीनी मंगानी है आपने। हाँ, तो ये है करीमा, आपका नाम क्या है? वजीर। क्या बात है भाई, वजीर और बादशाह, आपका नाम रानी होना चाहिए था। चले, ये करीमा आपके लिए, ठीक है, इससे राशन वाशन मंगाना, आटा दाल वगैरह, ठीक है। तो ये है सोडी, इनके शोहर का नाम है लाल। चलें भाई, ये आपके लिए सोडी, ठीक है। तो ये घर है कसुम्बी का। कसुम्बी केड़ा हाल है, खुश आयो? जोर खुश कर, ही तां जलाए, ठीक है। हाँ, ये तां जलाए। हस्तु, हस्ते 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 हो, हस्ते ज़्यादा हस्ते हो ना, ये लो आपके लिए।
तो यहाँ मुख्तलिफ अमराज भी फैले हुए, ख़ास तौर पर मलेरिया, क्योंकि मच्छर पानी इर्द गिर्द बहुत है। बेटा क्या नाम है आपका? सोनकी। सोनकी। अम्मा का नाम? मरबत। मरबत। चलें बेटा ये अम्मा को देना, ठीक है? अम्मा डॉक्टर के पास गई हुई हैं, तो ये पैसे उनको देना, कोई राशन वाशन। हमें शाम हो चुकी है, मगरिब का वक्त करीब है, सूरज ढल रहा है और यहाँ खाना पकाने की तैयारियाँ हो रही हैं। क्या नाम बताया आपने? सारा। सारा, ये लें सारा, ये आपके लिए, ठीक है? क्या नाम बताया आपने? धन्नो। ये धन्नो आपके लिए, ठीक है? आ जाओ। अच्छा, सुमरी नाम है आपका? नाम क्या? सुमरी। ये आपके लिए। तो ये है हमारी एक अनीता बहन जो कि खाना बना रही है। बहन ये आपके लिए, ठीक? तो ये फोटो है, फोटो ये आपके लिए, ठीक है? आप इनसे कोई राशन। और इस ख़ानदान के पास खेमा भी नहीं है, ये अभी यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने ताज़ा ताज़ा चूल्हा बनाया है, चूल्हा भी बस आप समझ रहे होंगे कि टेम्परेरी। क्या नाम है अम्मा? मारवी। माशाल्लाह, नाम तो बड़ा खूबसूरत है। ये आपके लिए बेटी है आपकी? चलें चलें, ठीक है, खाना बनाएं। चलो चलो, फुट थोड़ा पास थी। ओह हो, नारू घर वाले। अच्छा अच्छा, नाम क्या? हाँ, लक्ष्मी चौथी आ गई। तो ये लक्ष्मी है नारू की घर वाली, ये आप रखिए। ये क्या पकाया भैया आपने? दाल। कौन सी दाल है? मसर। हाँ चले, ठीक है। और ये बेटी आपकी? सम्मी। ये सम्मी है, सम्मी ये आपके लिए है, ठीक है? और आपका क्या नाम है? मीरा। मीरा, मीरा ने अपने भाई जो है वो गौ गोबर से वो चूल्हे को वो लेपा हुआ है। मीरा, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल जूता लेके नहीं जाते, ऐसे ही ना? हाँ, इस पे जूता लेके नहीं जाते। तो ये इस खेमे के अंदर दो फैमिलियां हैं। आपका क्या नाम है? समीना। अरे माशाल्लाह, ये ले समीना, आप रखें। अच्छा, आपका आपका क्या नाम है? मारवी। मारवी, क्या आलू, आलू और हरी मिर्ची, भूख लग रही है हमें तो भाई। मारवी, ये ले खाना वाना खिलाएंगे आप हमें? हाँ। और ये ऑलमोस्ट हमारा आखिरी खेमा है जिसमें हम आए हैं। और क्या नाम है अम्मा आपका? मुझे खीरा। खीरा, हाँ, मुझे भेड़ छाप ही रहे थे। दाल। दाल केड़ी आई? थुली। वडियारी दार, चने वारी, चने वारन दी। ये बैठो, ये बहन, ये तुझे लाया कुछ दाल वाल वट जो अट्टो वट जो इनका, ठीक है? हाँ, ये अभी यहाँ पहुँचे हैं, चारपाई इन्होंने रखी है, घर अभी यहाँ इन्होंने खेमा नहीं लगाया। नाम क्या है अपना? मेरा नाम विक्रम। विक्रम भाई, इसका नाम लिख लो मुझ तो। हाँ विक्रम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे अंदाज़ा है कि हम लोग तकरीबन कुछ 92 या 93 घरों जो ख़ानदान है उन तक पहुँचे हैं, और बाकी जो भी है हिसाब किताब वो जिन मेहरबानों का हिस्सा है वो समझ गए होंगे कि हमारे कितने पैसे खर्च हुए हैं। फी फैमिली को 2,000 रुपये दिए गए हैं। तो अल्लाह ताला करम करे, दो लोग थे, एक खातून है हमारी बहन अमेरिका से और एक भाई है हमारे कनाडा से, बाकी उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और ये मोनिका बड़ी वजह बनी है मेरी यहाँ आने की। कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात बंदे को क्लिक कर जाती हैं यार, तो इनकी इनोसेंस, इनका कॉन्फिडेंस, इनका बात करने का अंदाज़ मुझे सच में बहुत, मुझे बिल्कुल मेरी बेटी की तरह लगा। वो तुम्हारे जितनी मेरी बेटी है, लेकिन वो तुमसे थोड़ी सी बड़ी है, वो 8वीं में पढ़ती है, ठीक है? तो ये चौथी, तीसरी में, हाँ ये तीसरी में पढ़ती मोनिका। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इस कार खैर के पीछे थे यार, सबके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।